की जय, भारत माता की जय, महाराष्ट्राच्या लढवय्या आणि आमच्या भगिनी मिसेस मुंडे आपल्याला आपल्या सोबत कष्टकऱ्यांना बोलण्यासाठी आले। मी त्यांच्या कष्टकऱ्यांच्या वतीने नमस्कार। नमस्कार। मैं करुणा धनंजय मुंडे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं? बहुत गलत है, बहुत गलत है। आने वाला कि नहीं मुझे मालूम है, इसलिए मैं यहाँ अभी अचानक आई हूँ, नहीं तो मैं हमेशा सुबेरे आती हूँ। पर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे आज खाना भी नहीं आया है, तो ये बहुत गलत है और ये बहुत दुख, एक औरत होने के नाते, एक माँ बहन बेटी होने के नाते मुझे आप सबकी तरफ से बहुत ज्यादा दुख है। और मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ, जेवन की व्यवस्था करने आई हूँ। मुझे अचानक ताई का फोन आया कि ताई यहाँ पे आज दिन में जेवन नहीं आया है, तो तुम्हें काय करा? तो मैंने बोला ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में वहाँ पहुँचती हूँ। मैं शांता क्रूज में रहती हूँ, बहुत दूर मैं यहाँ पे आई हूँ, इसके लिए मैं आपको। अरे तुम हर दिन में रहते हो हमारे हमारी बहन को। मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, भूखे रहना पड़े भूखे रहेंगे, मैं खुद भी उपवास रख लूंगी आप लोगों के साथ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और यदि जो लोग पीछे हो गए हैं, मुझे उन लोगों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, वो लोगों ने भी बहुत अच्छा पार्ट निभाया है, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे वकील साहब का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं ये लोग, ये वकील साहब भी। और मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि ये आज आपके पास कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों का नेतृत्व कर सकती हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे बोलती गई थी। पर मैं ये चाहूंगी कि हमारे राज्य के वासी जो आप लोग खड़े हैं आज इतने दिन से अपने एक विलीनीकरण के मुद्दे को लेकर थाम पने की भूमिका निभा रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगी कि यदि मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो मैं करूंगी। आप लोगों की हर परेशानी में मैं आपके साथ हूं, पर मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था, मैं पूरा करूंगी और मैं कभी भी यूटर्न नहीं लेने वाली हूं जब तक कि अपना विलीनीकरण का मुद्दा पूरा नहीं होता है। तो आज मैं यही बोलूंगी, आप लोग अपने मुद्दे पे डटे रहिए, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आगे की भूमिका मैं आप लोगों के साथ मिलकर तय करेंगे। धन्यवाद।